दोस्त, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी का आठवां ओवर कराने आए पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रोली के बैट का एज लगा और शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे ट्रेविस हेड ने शानदार तरीके से जंप मारकर इस कैच को पकड़ लिया और इस कैच को पकड़ने के बाद ट्रेविस हेड कुछ अपने अंदाज में अलग सा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए। ट्रेविस हेड के इस कैच के चलते जैक क्रोली 21 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड को जैक क्रोली के रूप में 29 रनों पर दूसरा झटका लगा।